गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। दिल्ली में रहने के कुछ कुछ फ़ायदे तो हैं, इवेंट्स यहाँ पे होते रहते हैं तो व्लॉग के लिए कंटेंट की कमी नहीं पड़ती। और एक और ट्रिक है जो मैंने अभी देखी, मिडिल क्लास मम्मियों की ट्रिक, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, पता है कि हमें बाहर जाना है, बाहर जा सकते हैं, इसमें दाल चावल पूरे रेडी, ताकि हम बाहर जाके खर्चा ना करें और बाहर ना खाएँ। ये ट्रिक होती है। मम्मी आ चुके हैं हुनर हाट, ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में लगा है। और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट और मतलब अलग अलग स्टेट के लोग जो अपना अपने स्किल्स दिखाते हैं, सामान बेचते हैं, उससे पैसे कमाते हैं, वो लोग आए हुए हैं। तो बहुत फ़ायदा है और बहुत ही अच्छा भी होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत अलग अलग स्किल्स हैं, उन्हें अप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ और इसका इनॉग्रेशन आई थिंक राजनाथ सिंह जी ने किया है। तो सही बताऊँ, मैं यहाँ सिर्फ खाने के लिए आया हूँ, मुझे शॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कश्मीर की स्पेलिंग CASH लिखी है। अब यार ये तो ये सरकास्टिक हो रहे हैं, इनको स्पेलिंग नहीं आती। दिल्ली में ना 2-4 महीने होते हैं जब थोड़ा मौसम सही रहता है, वरना पूरे टाइम एक्सट्रीम ठंड या एक्सट्रीम गर्मी। तो अभी वो गर्मी वाला टाइम आने वाला है, मुझे तो बहुत ही गंदी लगती है गर्मी, वो टाइम नहीं आ रहा बाहर घूम के मज़े कर लो। द रियल रीज़न मम्मी इज़ हेयर इज़ ओनली फॉर हर साड़ी। पुलिस वाले लोगों ने मुझे देख के बड़ा मतलब मुझे रिस्पेक्ट भी आती है, मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि उनकी ड्यूटी सबसे डिमांडिंग है यार, बड़े डिफ़िकल्ट है इसमें ना, तो हमें उनकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए यार। सर सर हैं, सर आपका स्टॉल है वाला? हाँ जी सर, तो ये सर का स्टॉल है। और सर जो भी मेरी ऑडियंस है उसको आप क्या बोलना चाहेंगे, यहाँ पर फैमिली के साथ आए, अकेले हैं, कैसे हैं, ये दोनों? जैसे मैं तो चाहता हूँ कि लोग फैमिली के साथ आए, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। सर ऐसा है कि क्योंकि 90% लोग फैमिली के साथ ही आते हैं, हर चीज़ खरीदती है, बच्चों के लिए भी खरीदते हैं, अपने लिए भी खरीदते हैं। और फैमिली खाने पीने के लिए स्टॉल भी अच्छे लगे हुए हैं, हर चीज़ के स्टॉल है, तकरीबन 90% फैमिली के साथ ही लोग आते हैं। आपका स्टॉल जो है हरियाणा से है? हरियाणा से है जी, हमारा जूती का स्टॉल है, लेदर जूती का, लेदर जूती का स्टॉल है। तो जो भी फैशन ब्लॉगर्स हैं जिनको नए कपड़े वगैरह लेने हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर करने से अच्छा यहाँ आके देख लो, क्योंकि वैसे दिल्ली में ऑनलाइन लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लाइव देखो, लाइव लो। हाँ, जहाँ से बनी चीज़ें सीधा मेकर से ले, मेकर से ले। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। मम्मी के हिसाब से व्लॉग्स बनाने लग जाओ ना, 90% लोग साड़ी की दुकान के आगे ही बनेंगे। मम्मी अपनी बार्गेनिंग पावर यूज़ करते हुए जीत चुकी हैं एक और बार। मम्मी शहर ना अनडिफीटेड है। तो मैं यहाँ हुनर हाट में घूम रहा था, यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉल है पेबल पेंटिंग का, मैम मेरे साथ हैं, एक बार उनसे उनका टेक ले लेते हैं। कैसा है ये सब पेबल पेंटिंग स्टार्ट करने का? सर पहली बात तो ये मेरी आर्ट नहीं है, ये मेरे हस्बैंड की आर्ट है। अच्छा, तो ही गॉट एन मैसेज ऑन, मतलब लास्ट 4 ईयर से हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो एक
उस पे मैसेज आया था पत्थरों का, हाँ जैसे पत्थर से कोई फैमिली बना रखी थी, तो उन्हें वहाँ से वो आइडिया मिला कि साथ है तो फैमिली है, अदरवाइज पत्थर है जस्ट लाइक दिस। उसके बाद फिर ये जो रिवर साइड पेबल्स होते हैं उनसे ये सारी पेंटिंग्स की जाती है, बट इन पेबल्स को पूरी तरह नेचुरल के शेप में रखा जाता है, किसी भी तरह से उनको अच्छा मैनिपुलेट कुछ भी नहीं किया जाता। अच्छा उसको बस बैकग्राउंड जो अपनी थीम के अकॉर्डिंग उसका बैकग्राउंड करके देन अपने उन पत्थरों में से चुना जाता है पत्थरों को। बहुत मुश्किल हाँ कि एक पत्थर मिलेगा आपको जो एग्जैक्टली वैसा होगा। इसमें मैम जैसे बता रही हैं एक भी पत्थर को मैनिपुलेट नहीं करते, कितना डिफिकल्ट है एक एक पत्थर को अगर आप उठा रहे हो, फिर आपको सोचना पड़ता है कि यार ये पता चिड़िया जैसा दिख रहा है कि मतलब बीज जैसा दिख रहा है। भाई साहब अलग लेवल ऑफ क्रिएटिविटी चाहिए। और वो कह रहे थे वो पत्थर उठाने के लिए रिवर साइड से ऋषिकेश उत्तराखंड जाते हैं लेने डेडिकेशन। हरे हुनर हाट में यहाँ पे सामने सेटअप है पूरा कि बैंगल्स एक्चुअली में बनती कैसे हैं, और सर का स्टॉल है स्टॉल नंबर 66, यहाँ पे सर लाइव दिखा रहे हैं बैंगल्स कैसे बनती है। अंकल ये बनती कैसे हैं चूड़ियाँ, इसमें बनती कैसे हैं बता दीजिए, कोई बात नहीं बस। ये लाख होती है, लाख को गर्म करते हैं, गर्म करके रोल बनाते हैं, ये कलर होते हैं उसके ऊपर पेस्ट किया जाता है, फिर ऐसी स्टिक बनती है। अच्छा जितनी मोटी बारीक चूड़ी बनानी है स्टिक बनाते हैं, उसके बाद उसके अंदर रिंग डालते हैं, चूड़ी तैयार हो जाती है। अच्छा इस पेंटिंग में देखो पूरी रामायण डिपिक्ट की हुई है बहुत ही सुंदर तरीके से। एक भी ऐसे कपड़े की शॉप होगी जिसमें आप रुकोगी नहीं, हर कपड़े की शॉप में रुक रही हो आप, एक भी नहीं छोड़ी कपड़े की शॉप। वो लोग बैठे हैं उनका हौसला अफजाई कौन करेगा, आप ही हो, मोदी जी ने आपको अपॉइंट किया है यहाँ का ब्रांड एम्बेसडर। आपको ये जैसे हमारी सोसाइटी में नहीं लगता था वो कारपेट वाला, कोई सारे बच्चे कारपेट पे चढ़ चढ़ के तोड़ देते थे, लेता कोई भी नहीं था, है ना, बड़ा बुरा लगता था। हाँ इन पे अभी बच्चे आगे इन पे चढ़ चढ़ के तोड़ेंगे कारपेट। वाह मोदी जी वाह, मौज करा दी। मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आओ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपनी मम्मी के साथ भी आओ, गर्लफ्रेंड है ना ना हो तो अकेले आओ और यहाँ आके गर्लफ्रेंड बना लो, मम्मी के साथ बताओ। मम्मी बहुत प्रेशर देती यार हर दुकान में रुकने का, तो खर्चा कराती है मम्मी, तो अपना ही खर्चा करेंगे। बात तो सही है। मेरा फेवरेट पार्ट खाना। और ये है वुडन टॉयज का स्टॉल जहाँ पे सबके पेरेंट्स बचपन में लेके तो जाते हैं पर दिलाते कुछ नहीं है। पता है जब पेरेंट्स गिफ्ट का प्रॉमिस करके टॉय का प्रॉमिस करके टॉय नहीं दिलाते हैं, बहुत महंगा है।
800 रुपये की एक प्लेट, 800 रुपये की एक प्लेट भाई, खा के निकल लेंगे यहाँ से। ऐसा लगा आपको यहाँ का एक्सपीरियंस? चलो अच्छे से, काफ़ी अच्छे से डिपेक्ट किया है और अच्छा प्लेटफॉर्म है लोकल आर्टिस्ट को अपना प्रोडक्ट यहाँ बेचने का। प्राइजेस थोड़े वो ज़्यादा कोट कर रहे हैं बट बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो थम्स अप टू द गवर्नमेंट और थम्स अप सबको जो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने कुछ कुछ खरीदा है। कोरोना सबके लिए टफ रहा है, तो आई गेस इससे हम थोड़ा उन्हें बिजनेस दे पाएंगे। लगा था व्लॉग की एंडिंग हम वहाँ कर देंगे, लेकिन मेरे स्कूल का एक जूनियर है रजत, उसने अपनी एक शॉर्मा की शॉप खोली है यहाँ पे, तो मेरे को वैसे ही अपने फ्रेंड से मिलना था तो हमने सोचा क्यों नहीं उसकी शॉप पे मिले, और उसको मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा और मैं उसका एफर्ट को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस करते हैं, बात तो सभी करते हैं बट बहुत ही कम लोग वो स्टेप आगे लेते हैं। तो ऑल द बेस्ट रजत, आई होप यू डू रियली वेल, और भाई एक फ्रेंचाइजी दे दियो प्लीज बाद में, प्लीज प्लीज प्लीज। सिम्बा विल यू हेल्प पांडे पिक अप चिक्स? सिम्बा सिम्बा फ्रॉम द बैक सीट, सो आई एम आस्किंग फ्रॉम अबव, कैन आई ट्रस्ट व्हाट